हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे आए आप लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो देखिए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL, जो कि मिनीरत्न है, भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर में आता है, इसने वैकेंसी निकाली है, 100 वैकेंसी निकाली है, टोटल 100 वैकेंसी निकाली है। और अगर आपके पास MBA की डिग्री है तो आपके लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर की जॉब है, और अगर आपने BTech किया है तो आप प्रोजेक्ट इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया ये है कि फ्रेशर मांग रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। दूसरी चीज, वैकेंसी बहुत ज्यादा है और केवल ये इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? आपका ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, उसी के बाद आपका सिलेक्शन होना है। तो इसमें कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है। और देख लीजिए, 100 वैकेंसी जो निकाली है इन्होंने, वो कैटेगरी वाइज क्या है, तो देख लीजिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर की ह्यूमन रिसोर्स में यानी MBA वालों के लिए एक वैकेंसी है, प्रोजेक्ट ऑफिसर की बिजनेस डेवलपमेंट में 2 वैकेंसी है, वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल में 19 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में 4 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट ऑफिसर HR में 1 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइनेंस में 1 वैकेंसी है। जो जितने भी प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, इनमें सब में इन्होंने MBA फाइनेंस, MBA HR, MBA मार्केटिंग मांगा है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स 3 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल में 2 वैकेंसी हैं, ठीक है? इस तरह टोटल इन्होंने 100 वैकेंसी निकाली हैं। और ये वैकेंसी आपकी जो निकली है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, मुंबई, महाराष्ट्र, कोची, केरला, बेंगलुरु, कर्नाटका और कॉरपोरेट ऑफिस हैदराबाद, जो BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड का जो ऑफिस है, कॉरपोरेट ऑफिस हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट, इसके लिए निकली है। अब एज लिमिट की बात कर ले तो प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए इन्होंने जनरल के लिए 28 साल रखी है, लेकिन SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 5 साल का है, PWBD को 8 साल का है, ठीक है? उस तरह मैक्सिमम एज लिमिट जो इसने 5 साल का रखा है, कैंडिडेट हुआ ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है इन्होंने। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपकी फर्स्ट क्लास 60% BTech होना चाहिए या BSc होनी चाहिए 4 साल की। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड ME या MTech है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर डिसिप्लिन आप इंजीनियरिंग जो मांग रहे हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांग रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मांग रहे हैं, प्रोटेक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग मांग रहे हैं, प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मांग रहे हैं। वहीं फील्ड एक्सपीरियंस क्या, शुड हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स 60% आपके होना चाहिए BTech में, और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से BTech किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से BTech किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर BTech किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, उसी तरह प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल में भी सेम है। वहीं पर इन्होंने प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स मांगा है, ठीक है? आपने 5 साल की अगर ग्रेजुएट डिग्री की है तो 5 साल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में इन्होंने 4 साल की डिग्री मांगी है, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से आपने BTech किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल में भी 60% मांग रहे हैं ये। अब प्रोजेक्ट ऑफिसर की बात कर लें तो ह्यूमन रिसोर्स में इन्होंने मांगा MBA, अगर आपने MBA किया, फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स हैं आपके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट इंजीनियर फाइनेंस में इन्होंने CA या ICAW मांगा है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास MBA फाइनेंस की डिग्री अगर है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर प्रोजेक्ट ऑफिसर मार्केटिंग में MBA मार्केटिंग मांगा है इन्होंने। अब देख लीजिए, सेकंड क्लास 55% फॉर SC ST रखा है इन्होंने, PWBD कैंडिडेट के लिए अलग छूट दी गई है। 1 ईयर कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड 1 ईयर कंप्लीटेड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग डिसिप्लिन फॉर प्रोजेक्ट ऑफिसर विल आल्सो बी कंसीडर एक्सपीरियंस, ठीक है? जो आप 3rd ईयर के बाद आपकी जो फाइनल ईयर में आप जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करते हैं, अप्रेंटिस करते हैं, वो भी आपका एक्सपीरियंस में ही माना जाता है, ठीक है? तो उसको भी 1 साल का एक्सपीरियंस मानेंगे। तो अगर आप फ्रेशर हैं, आप सोचते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्रेंटिस हम लोग करते हैं 3rd ईयर के बाद, वो भी 1 साल के एक्सपीरियंस में माना जाता है। तो ये देख लीजिएगा, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन जॉब है भारत डायनेमिक लिमिटेड की। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है, ठीक है? वहां से आप जाके पूरा डाउनलोड कर सकते हैं,
लास्ट डेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इसमें बताया है। अब इसमें देख लीजिए, ये 23 जून जो है, 23 जून शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ये लास्ट डेट है। और लिस्ट ऑफ लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू अलॉन्ग विद द डेट ऑफ इंटरव्यू, ये 5 जुलाई को आपको बाई मेल कर दिया जाएगा। और डेट ऑफ इंटरव्यू जो रखा है इन्होंने टेंटेटिवली, संभवतः सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में इंटरव्यू होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी वैकेंसी इनको भरनी है, ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और ये जो वेबसाइट है www.bdlindia.in, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर BDL वाले के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप समझ लीजिए, ये भारत डायनेमिक लिमिटेड जो है, ये मिनीरत कैटेगरी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, ठीक है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। जितने भी बारूदी टैंक बनते हैं, मिसाइल बनती है, ये सब का निर्माण करता है, डिजाइन करता है। तो इस विभाग में आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार आए और आपको लगता है कि इस तरह से जॉब और करियर से रिगार्डिंग खबरें आपको रेगुलर वे से मिलती रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।